वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त बिग अपडेट के साथ में। जी हाँ, बीएसएफ आरओआरएम की जो परमानेंट भर्ती है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बीएसएफ आरओआरएम की एक परमानेंट भर्ती होती है बेटा, और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी एक दिन पहले इसका नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, लेकिन अब चीज़ें कंफर्म आपके हो चुकी है। परमानेंट ये भर्ती है। फॉर्म डेट क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, और ये 12वीं पास के लिए है। 12वीं पास कोई भी बंदा ये फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसका एज क्राइटेरिया उसमें आना चाहिए, और एज में भी आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है। तो ये वीडियो देखिएगा, बेहतरीन होने वाला है। और अगर आप इसके लिए तैयारी करने वाले हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पे धमाका होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग आपको आगे इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इसके लिए तैयारी का प्लान आप कर रहे हैं, इसके आगे के अपडेट्स के लिए आप आगे जानना चाह रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, यहाँ पे सिलेबस, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपकी जो रिक्रूटमेंट है बीएसएफ आरओआरएम की, उसकी ओपनिंग डेट है 22/4/2023। 22 अप्रैल को आपका ओपनिंग होगा ऑनलाइन फॉर्म का, और क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 12/5/2023, यानी 12 मई को इसका फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो होने वाली है। पहली चीज तो ये। उसके बाद में अगर अपन यहां पे बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहां पर आप देख रहे होंगे, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 25। अब देख लो, जो भी बच्चे ओवर एज हो चुके हैं वो बच्चा यहां पर फॉर्म जरूर फिल करें, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। लेकिन जो बच्चा 12th पास है, वो एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा है, नेवी के लिए कर रहा है, आईसीसी के लिए कर रहा है, वो बच्चा अगर उसकी ये एज है तो जरूर से फॉर्म लगाएं। वो कौन सी डेट पे, 12 मई 2023 को उसकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी में जो एज का रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, उस पर मैं डिटेल आपको आगे दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएसएफ आरओआरएम के लिए 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए 10+2 पैटर्न पे, और एग्रीगेट 60% मार्क्स टोटल आपका होना चाहिए परसेंटेज 12th में, और वहां पे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स आपका होना चाहिए, या आपके पास 10th के साथ में मैट्रिकुलेशन के साथ में आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई वाले बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत गजब का मौका है, ऐसा मौका चूकना नहीं है, क्योंकि ये चीज है बहुत आपके लिए हेल्प होगी, परमानेंट आपकी भर्ती होने वाली है। यहां पर देखिए वैकेंसीज की अगर अपन बात करें यहां पे, तो जो बीएसएफ आरओ की वैकेंसी है वो है 217 और आरएम की वैकेंसी है 30। इतने में किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आया होगा, यार वैकेंसी तो कम है, 217 वैकेंसीज है। परमानेंट भर्ती, सिलेबस वो जो आपने अब तक पढ़ा, तैयार आपने किया। दूसरी चीज है, आपको एक सीट चाहिए न कि 217। आरएम की 30 सीट है, आपको चाहिए एक। अगर आप उस लेवल पे मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी की हुई है, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो जरूर से इस फॉर्म को लगाना। और ये चीज है कि अगर यहाँ पे मौका लगता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। पे स्केल है आपका, वो होगा 25,500 से स्टार्ट होके आपकी सैलरी होगी 81,100 रुपये तक, 80,000 तक, 81,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है 25,500 से स्टार्ट होके। और ये जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट आपका अपडेट है, इंफॉर्मेशन है। अगर हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं डेडिकेटेड वीडियो फॉर्म फिल करके, जब 22 को फॉर्म स्टार्ट होगा तब मैं डेडिकेटेड फॉर्म फिल करके एक वीडियो बनाऊंगा 10 से 12 मिनट का, उस वीडियो को देख के फॉर्म भरना। कोई मौका हम इस बार चूकना नहीं चाहते कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, गलत फिल हो जाए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बैक टू बैक आपका वैकेंसीज आया है, और इसको अपने को बढ़िया से फोड़ना है, उसके लिए तैयारी करनी है। इसकी तैयारी के रिगार्डिंग मैं आगे आपको अपडेट वीडियो दूंगा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या आप तैयार हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए, कमेंट जरूर करें कि सर हम फोड़ेंगे इस पेपर को, फॉर्म भी फिल करना है और एग्जाम भी फोड़ना है। किसी भी
प्रकार का कोई डाउट अभी भी आपका बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपने डीओ भी जरूर कमेंट करें तो मुझे पता चले कि आप किस कैटेगरी में अभी आ रहे हैं, तो अपना डीओ भी जरूर कमेंट करें। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट आपका रहता तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिए, अदरवाइज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।